अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है KMC हेल्थ सिटी एंड KMC कैंसर इंस्टीट्यूट, उत्तरी भारत का आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त चिकित्सा संस्थान, बागपत रोड, मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं firstbite.tv। आज हम उस तबके पर बात करते हैं जो दिल्ली मरकज में जलसे के बाद बेहद हिकारत की दृष्टि से देखा जाने लगा। शायद यही कारण है कि सरधना में क्वारंटीन किए गए 90 जमाती 47 दिन बाद भी अपने घर नहीं जा पाए हैं, वह भी तब जबकि कोरोना के उनके दो दो टेस्ट नेगेटिव आ चुके हैं। उन्हें सिर्फ यही तसल्ली दी जा रही है कि क्वारंटीन की अवधि भले ही समाप्त हो चुकी हो लेकिन अभी ऊपर से आदेश नहीं आए हैं और जैसे ही आदेश होगा उन्हें बाकायदा सरकारी गाड़ी में उनके घर तक पहुँचा दिया जाएगा। बीते दिवस खाने को लेकर उन्होंने कुछ आवाज़ उठाई थी लेकिन उन्हें समझा दिया गया। जमीयत उलमा शहर के अध्यक्ष व नायब शहर काजी जैनुर राशिद्दीन ने भी इस पर अपनी नाराजगी जताई है। दरअसल यूपी बांदा से 14 लोग सरधना की एक मस्जिद में रुके हुए थे। 31 मार्च की रात को उन सभी को सरधना के जैन इंटर कॉलेज में बने सेंटर में क्वारंटीन कर दिया गया। वहाँ अब कुल मिलाकर जमातियों के 9 ग्रुप के करीब 90 लोग क्वारंटीन हैं। आइए देखते हैं और सुनते हैं उन्हीं लोगों की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई, हमारी आंध्र प्रदेश की जमात है जो तकरीबन 45 दिन से क्वारंटाइन में है सरधना के अंदर। हमें अप्रैल के दो तारीख में लाया गया और 4 तारीख पर हमारी टेस्ट हुई और 10 तारीख को डॉक्टर खुद आकर बताया कि आपकी सबकी रिपोर्ट निगेटिव आ गई है। फिर उन्होंने कहा कि जैसे क्वारंटाइन का टाइम पूरा हो जाएगा आप अपने घर को भेज दिए जाएंगे। तो हमारा क्वारंटाइन टाइम भी पूरा हो गया, फिर आज को 45 डेज पूरे हो गए, यानी 45 दिन पूरे हो गए, लेकिन हमें कोई जाने की क्या है सुविधा नहीं बताई। जब भी हम पूछ रहे हैं तो बता रहे हैं कि ऑर्डर ऊपर से अभी नहीं आया, ऊपर से कोई आदेश हमें नहीं मिला। और जब भी एक देखो हमारे ये साथी हैं, पूरे 14 साथी आंध्र प्रदेश के, बेचारे सब परेशान हैं, इनके घरों के अंदर इनके बच्चे रो रहे हैं, किसी के माँ बाप और किसी के बूढ़े वालदैन रो रहे हैं, ये सब परेशान है। हमारे घर वाले हमें बार बार फ़ोन करके ये परेशान हो रहे हैं कि सारी जमातें आ जा रही हैं, आप बिल्कुल नहीं आ रही। और हमारे साथ क्या है, और 5-6 जमातें भी हैं इसी क्वारंटाइन के अंदर है, बिहार की है, बांदा की जमात एक है और असम की है, बंगाल की जमात है। सब साथियों के क्वारंटाइन का टाइम पूरा हो गया लेकिन जाने की कोई सुविधा नहीं बन रही, इसलिए हम दरख्वास्त कर रहे हैं कि हम जल्द से जल्द क्या कोई सुविधा बनाए, हमें अपने घरों के पास भेज दी जाए। अस्सलाम वालेकुम। मैं साबिक चेयरमैन नगर पालिका परिषद सरधना निजाम अंसारी, वर्तमान में मेरी बीवी सबीला अंसारी चेयरमैन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं पूरे देश में क्या पूरी दुनिया COVID-19 से परेशान है और इसमें सबसे ज़्यादा परेशानी उन लोगों को आ रही है जो दूसरे प्रदेशों में जाकर या दूसरे देशों में अपना काम धंधा करा करते हैं, मेहनत मजदूरी करा करते हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में जो धर्म हमारे मुस्लिम हूँ मैं, हमारे मुस्लिम के धर्म के प्रचारक अपने देश में जगह जगह जाकर अपने धर्म का प्रचार करा करते थे, जिन्हें हम जमात भी कहते हैं, जमात के रूप में जा रहे थे। वो आदमी कुछ आदमी हमारे यहाँ सरधने में भी थे, लगभग हमने उनकी काउंटिंग करी तो वह 56 करीब निकले। 4-5 दिन पहले सरकार ने कुछ आदमी जो गुवाहाटी वगैरह के थे, लगभग 34 आदमी और भेज दिए हैं, जो लगभग इनकी संख्या 90 के करीब हो चुकी है। हमने सरकार से काफ़ी आग्रह किया है, SDM से कई दफ़ा मिले, DM को भी फैक्स करा, कमिश्नर साहब को फैक्स करा, मुख्यमंत्री को पेश करा कि जिस तरह आप प्रवासी मजदूरों को भेज रहे हैं ये भी एक तरह से धर्म के प्रचारक तो हैं, मगर ये भी हमारे देश के नागरिक हैं और अपने हमारे प्रदेश में आए हुए हैं दूसरे प्रदेश से, उन्हें भी उनके घर पर भेजना हमारा परम धर्म है, इसे हमें करना चाहिए। शहर नायब काजी जैनुर राशिद्दीन ने भी इसे लेकर अपना एक वीडियो जारी किया है, आइए पहले वह देखते हैं। देखिए, तबलीगी जमात के लोगों के साथ मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादतियाँ हो रही हैं। ये मेरे जहन से बात समझ में नहीं आ रही कि पता नहीं क्यों एक ऐसा जहन बना दिया गया कि जहाँ तबलीगी जमात या जमात का नाम आता है तो एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी अधिकारी जो है वो सही तरीके से बात करने को तैयार नहीं होता कि भाई इनका जो है टाइम पूरा हो चुका है, 14 दिन हो चुके हैं, 14 दिन से ज़्यादा है क्वारंटाइन इनका हो चुका है, तो अब इन लोगों को आप घर जाने की इजाज़त दीजिए। लेकिन पता नहीं क्या वजह है कि वो वादा करते हैं लेकिन करते नहीं। मेरे पास आज ही एक जई की दरख्वास्त आई है और जई के अंदर भी, सरधने के अंदर भी
जो वहीं के मुकामी आदमी जो दूसरे शहरों से आए हैं और आने के बाद उनका यहाँ टेस्ट हुआ और उनको 14 दिन के लिए रखा गया, लेकिन 14 क्या 33 दिन हो रहे हैं, कहीं 40 दिन हो रहे हैं, उसके बावजूद उनको उनके ही गांव के अंदर उनके ही घर के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं तो सिर्फ इतना ही करूँगा, अपने भारत सरकार के प्रधानमंत्री से भी दरख्वास्त करूँगा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी दरख्वास्त करूँगा कि वो तबलीगी जमात के सिलसिले के अंदर जो लोग बहुत परेशान हैं, जो लोग घरों के अंदर इस तरह से बैठे हुए हैं और उनको दिक्कतें हो रही हैं, तो उनकी तरफ सोचें और उनका ख्याल करें और उनको आज़ाद करने के लिए, उनको घर जाने के लिए इजाज़त दें। अब इन सभी लोगों को उम्मीद है कि जल्द ही ऊपर वाले सुनेंगे और वे क्वारंटीन से मुक्त हो जाएंगे। आज इस खबर में इतना ही है। कोरोना काल में अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।